पूरा देश महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जश्न मना रहा है। महिला सशक्तिकरण का सारा लोग, सभी पार्टी और पूरी सरकार महिला सशक्तिकरण के सवाल पर ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं और वहीं बिहार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है। बिहार का विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये प्रमाणित कर रहा है। कहीं कानून का राज नहीं है, अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये जो घटना घटी खुसरूपुर के बगल में, खुसरूपुर थाना के अंतर्गत मोहसिनपुर गांव है जहां रविदास जाति के लोग हैं और वहीं दुवंग लोग भी हैं, कास्ट का नाम बताना उचित नहीं है। तो ये सारा लोग बेचारा 1500 रुपया मात्र कर्जा लिया था, सूद मूर जोड़ करके दे दिया, लेकिन और पैसा मांगता था, नहीं दिया तो उसकी पत्नी को, क्या नाम है उसका, आशा देवी, आशा देवी पत्नी उसकी, उसको पीट पीट करके इतना पीटा, नंगा किया और पूरा गांव घुमाया और पेशाब करके पेशाब पिलाने का काम किया। ये घटना रात्रि 10:30 बजे का है। हमको सुबह में वहां से बिजली दास जी ने फोन किया, तब हमने थाना को सबसे पहले लगाया फोन कि क्या हुआ है, तो कहा कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर से बात हुई और कहा कि कुछ नहीं हुआ है। आश्चर्य लगा हमको, जबकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन था कि गांव घेरे हुए है, पूरा इन लोगों का, गरीबों का घर घेरे हुए था, जो वहां के द्वंग लोग हैं, सामंती ताकत है, घर घेरे हुए था कि जो निकले उसको मार दो। तो ये सारी स्थिति में पुलिस की मिली भगत थी। बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं पुलिस के मिली भगत से हो रहे हैं। और वहाँ के इंस्पेक्टर, फिर हमने तब DGP को फ़ोन किया, फिर IG पटना को फ़ोन किया, तो IG पटना ने कहा कि हम SP को कह देते हैं, आप भी कह दीजिए। तब हमने ग्रामीण SP को कहा, फिर DSP को कहा, तब जाकर के वहाँ पुलिस गई और घटना के 14 घंटा तक FIR दर्ज नहीं हुआ था। 14 घंटा के बाद बड़े पुलिस पदाधिकारियों के हस्तक्षेप पर FIR दर्ज हुआ। ये हृदय विदारक घटना, ये पहली घटना नहीं है। बिहार में हम लोग लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता चिराग पासवान भी कह रहे हैं, जहां जहां घटनाएं घटी महिलाओं को बिहार में जिंदा जलाया जा रहा है। और एक दो घटनाएं नहीं घटी, अरवल के परासी गांव में माँ और बेटी को घर बंद करके पेट्रोल छीट करके आग लगा करके मार दिया, जिंदा जला दिया। गया के पचमह गांव में जिंदा जला दिया महिला को। मुजफ्फरपुर में नग्न अवस्था में निर्वस्त्र करके, पहले रेप किया फिर निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र कर करके हत्या किया और 2 भाग में काट करके रोड के किनारे डाल दिया। ये महिलाओं की पर लगातार जुल्म की घटनाएं घट रही है और खास करके दलितों पर जो जुल्म की घटनाएं घट रही हैं उसमें 67% की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दलितों पर, अनुसूचित जाति पर, जनजाति के लोगों पर जो घटनाएं घट रही हैं उसमें 67% की वृद्धि। हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, आज पत्र की कॉपी भी आपको दिखाते हैं, और हमने मुख्यमंत्री को लिखा है ये गंभीर मामला, आपकी पुलिस मिली हुई है अपराधियों से और मेरा चार्ज है
कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है मोहसिनपुर की घटना में उन अपराधियों को, इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रहा था और कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज भी कोई गिरफ्तारी के नाम पर सुने कहां गया पताल लोक से। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।